प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद हमारी आपके सामने आमने सामने बात हो रही है। तो आज अधिक टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 और क्लास 12 के छात्रों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डायमेंशनल एनालिसिस या विमीय विश्लेषण, वो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। इस चैप्टर से संबंधित बातें आपको न केवल 11th और 12th के लिए बल्कि आगे चल के तरह तरह के वेरियस जो इंजीनियरिंग एग्जाम या मेडिकल एग्जाम उन सब के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है हमारे पास वो आती है भौतिक राशियों की बीमाएं। तो भौतिक राशियों की जो बीमाएं हैं, भौतिक राशियों की बीमाएं वे घाते हैं जो उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। अर्थात इसी को अगर अंग्रेजी में हम कहते हैं तो फिजिकल डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर्स विच रेज ओवर फंडामेंटल यूनिट टू गेट देयर डिराइव यूनिट्स। अब आप लोग मूल राशियों और मूल मात्रक से क्लास 9 से ही परिचित हैं अच्छी तरह से। ये मूल राशियां और मूल मात्रक यहाँ पे बोर्ड पे दिए गए, जिनमें द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का दूरी, ये सब आप अच्छी तरह से परिचित हैं। बातों यहाँ हम नई चीज जो लेके आते हैं विमीय संकेत। इन मूल मात्रकों और मूल राशियों के विमीय संकेत क्या होते हैं हम यहाँ से और आगे अपनी स्टडी को बढ़ाएंगे। तो हमारी पहली राशि है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और उसका विमीय संकेत हमारा होता है कैपिटल एम। दूसरी बात हमारी दूरी का मात्रक हमारा क्या मीटर, और मीटर का इसका विमीय संकेत हम कैपिटल एल से देते हैं। तीसरी चीज हमारी क्या समय, समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड के विमीय क्षेत्र को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ताप का मात्रक हमारा क्या है केल्विन, केल्विन को हम प्रतीक दिखाते हैं थीटा से। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है हमारा कैंडेला, कैंडेला का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा सी या सी डी, इस तरह से अपना करते हैं। विद्युत धारा का मूल मात्रक हमारा क्या होता है एम्पियर, एम्पियर को हम दिखाते हैं कैपिटल ए से। और लास्ट और सातवीं जो रासायनिक क्वांटिटी है हमारी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है हमारा मोल, और मोल का डायमेंशनल सिंबल है हमारा मोल, मोल ही लेते हैं। ठीक, ये आपको इतनी बातें बेसिक हर समय पता होनी चाहिए। आइए छात्रों, अब हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं जो भौतिक राशियों के मात्रक की सहायता से विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो हमारी सबसे पहली राशि अगर हम लेते हैं तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राशि है वो होती है क्षेत्रफल। छोटी छोटी सरल राशियां क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहां से हम लंबाई या दूरी का विमीय सूत्र हमारा क्या है एल, इसी तरह चौड़ाई का विमीय सूत्र भी क्या होगा एल। तो दोनों को हम एल की पावर वन ये, एल की पावर वन ये, एल की पावर टू। अगली राशि अगर हम लेते हैं आयतन, तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सभी की बीमाएं एल गुणे एल गुणे एल करके एल की पावर भी हो जाती है। अगली जो राशि है वो वेग या चाल, वेग बराबर हमारा होता है विस्थापन बटे समय,
और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब विस्थापन की बीमा एल और समय की टी यानी एल टी माइनस वन, और इसकी भी एल बटे टी बराबर एल टी माइनस वन। इससे हमें यह पता चला कि वेग और चाल की बीमाएं एक होती। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण राशि है वो बल, बल बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान की बीमा हमारे पास यहां से m है, ये लेते हैं, और त्वरण बराबर होता है हमारा, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतर या समयांतराल। अब वेग की बीमा हमारे पास यहां से देखिए है एल टी माइनस वन, ये ले लेंगे, और समय की बीमा हमारे पास यहां से टी है, ये ले लेंगे। इसको हम हल करते हैं एम एल, ये टी माइनस वन, इस टी की वन पावर ऊपर जाएगी तो ये टी माइनस टू, यानी बल की हमारी बीमा क्या है एम एल टी माइनस टू। बल की बीमा का हमारे बहुत प्रयोग होता है, इसको आप तुरंत जो है आप लोग ध्यान देते हुए नोट कर लीजिए। आइए अब हम कुछ ऐसी राशियों के मात्रण लेते हैं और उनकी बीमाएं लेते हैं जो ज्यादा आपके कंपटीशन के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनमें से पहली राशि हमारी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्लास 11 के लिए इसको कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। जी बराबर हमारा होता है एफ आर स्क्वायर बटे एम वन एम टू, एफ आर स्क्वायर बटे एम वन एम टू। एफ हमारा क्या है, बल है, एफ बल है, आर हमारा दूरी है, दूरी का वर्ग बटे ये द्रव्यमान का वर्ग, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान यानी द्रव्यमान का वर्ग। ठीक, अब बल की बीमा अभी हमने यहां से निकाल ली है, वो चीज हम लिख देंगे एम एल टी माइनस टू। दूरी की बीमा एल टू हो जाएगी, द्रव्यमान की बीमा फिर एम गुणे एम लिखते हैं। अब ये एम की पावर ये ऊपर जाएगी एम माइनस वन, एल की पावर वन और ये टू मिलकर एल थ्री और ये टी माइनस टू। अगली राशि हम लेते हैं गैस नियतांक, गैस नियतांक, गैस नियतांक को हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। कैपिटल आर बराबर हमारा होता है पी वी अपान टी, आर बराबर क्या हुआ हमारा पी वी अपान टी। पी हमारा क्या है, दाब, वी क्या है आयतन, और टी क्या है दाब। ठीक, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता हमारा बल बटे क्षेत्रफल और गुणे आयतन और बटे दाब। अब बल की बीमा हमारी फिर वही लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, क्षेत्रफल की एल टू और आयतन की एल थ्री और दाब, दाब की थीटा, यानी एम एल फोर एम एल टू एल टू टी माइनस टू बटे एल टू थीटा, एल टू से एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, ये हमारी गैस नियतांक की बीमा आती है। अगली राशि हम लेते हैं श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक को हम ईटा से व्यक्त करते हैं। प्यारे छात्रों, ये ईटा से इसको हम किस अच्छा व्यक्त करते हैं, ईटा से, ईटा बराबर जो है, अब ईटा का मान निकालने के लिए हमें स्टोक्स के नियम की सहायता से अगर हम निकाले तो ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं।
स्टोक्स के नियम का सूत्र हमारा ये है एफ इक्वल टू सिक्स बाई ईटा आर बी। तो एफ अपान आर बी बराबर हमारा हुआ ईटा। और ये एक खास बात आपको समझनी है, सिक्स पाई जो कि एक कोण है और कोण की जो राशियां होती हैं वो विमाहीन होती हैं, ये ध्यान देना आप लोगों को। तो हमारा ईटा बराबर क्या आया, एफ अपान आर बी। एफ फिर हमारा क्या है, बल है, आर हमारा जो है त्रिज्या है, और बी क्या है, वेग। बल की विमा फिर हम एम एल टी माइनस टू लिखते हैं, त्रिज्या की एल लिखते हैं, और वेग की एल टी माइनस वन लिखते हैं। एल से एल कैंसिल हो जाता है हमारा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू में प्लस वन टी माइनस वन। ये चीजें आप बड़े गहराई से गंभीरता से इसको नोट करें। अब हम कुछ ऐसी राशियां लेंगे जो क्लास 12 के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आवेश। आवेश बराबर होता है Q बराबर IT, यानी धारा गुणे समय। धारा का अगर हम विभिन्न सूत्र देखते हैं तो A होता है और समय का T, इसका विभिन्न सूत्र हमारा हो गया AT। अगली राशि अगर हम लेते हैं तो विभवांतर। विभवांतर इसे कैपिटल बी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल बी बराबर होता है डब्लू अपान क्यू, यानी वर्क अपान चार्ज, कार्य बटे आवेश। कार्य की अगर हम विभिन्न सूत्र लिखते हैं तो ये एम एल टू टी माइनस टू होता है, और क्यू की ए टी आपके सामने ये लिखा हुआ। तो इनको जब हल करते हैं तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये वैद्युत विभवांतर की विमा होती है। अगर हम वैद्युत प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, आर बराबर हमारा होता है वी बटे आई, जो कि आप लोग टेंथ में भी पढ़े थे लेकिन यहाँ ट्वेल्थ में भी काफी इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये हमारा आवेश बटे धारा या ओम के नियम का जो सत्यापन होता है। अब आपके पास विभवांतर की विमा क्या है, एम एल टू पी माइनस थ्री ए माइनस वन बटे ए, यानी एम एल टू पी माइनस थ्री पी माइनस थ्री और ए माइनस टू। इसके अतिरिक्त जो है हम अन्य अगर देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक राशि हम लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई से डिनोट किया जाता है। ई बराबर होता है हमारा एफ ओवर क्यू नॉट, एफ क्या है हमारा फोर्स है और क्यू क्या है टेस्ट चार्ज। तो अगर हम फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं तो फिर एम एट टी माइनस टू और क्यू क्यू नॉट की, फिर आपके पास यहाँ से एटी है, ये एटी लेते हैं, यानी एम एल टी माइनस टू प्लस ये माइनस वन टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। एक और राशि अगर हम लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसे कैपिटल बी से व्यक्त करते हैं, बी बराबर हमारा होता है एफ अपान आई एल, एफ अपान आई एल, एफ हमारा भी क्या है फोर्स है, आई करेंट है और ए लेंथ ऑफ वायर। तो एफ की डायमेंशन फिर आपके पास यहाँ पे एम एल टी माइनस टू आई की ए और इसकी एल, एल से एल कैंसिल आउट हो जाता है हमारा एम टी माइनस टू ए माइनस वन। इसके अतिरिक्त एक राशि और हम लेते हैं वैद्युत फ्लक्स, क्या लेते हैं वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी विमा आपके पास है यहाँ पे एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और डी एस हमारा स्मॉल सरफेस एरिया
या सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है उसकी विमा आपकी एल टू होती है। इसका विमीय सूत्र आता है एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि क्लास 12 के छात्रों के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रहती है, इसको आप लोग फिर नोट करें गहराई से। इस वीडियो में हम कुछ विशेष हैक लेते हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस के संबंध में है। वो ये है कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनकी विमाएं नहीं होती या विमाहीन राशियां होती हैं। उन राशियों में प्रमुख राशियां आपकी जैसे विकृति हो गई, विकृति हो गई, कोण हो गया, अपवर्तनांक हो गया, सभी तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इनका अगर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर तो जैसे हम लिखते हैं कोण बराबर होता है हमारा आर अपान रेडियस या चाप बटे त्रिज्या। चाप की विमा भी एल हुई और त्रिज्या की विमा भी एल हुई, तो इसका हमारा L1 बटे L1 यानी L1 माइनस 1 यानी L0, L0 बराबर 1 हुआ। यानी इस तरह की राशियों को हम क्या कहते हैं, विमाहीन राशियां। तो जितनी आनुपातिक राशियां होती हैं वो विमाहीन होती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ राशियां ऐसी हैं कि जिनकी विमाएं एक ही होती हैं वो भी हम याद कर सकते हैं। कैसे, इसका भी तरीका आपके पास कि कार्य वन और जितने भी तरह की ऊर्जाएं हैं, कार्य और सभी तरह की ऊर्जाओं की सभी के विमीय सूत्र हमारे एम एल टू टी माइनस टू होते हैं और साथ ही बलाघूर्ण की भी विमा एम एल टू टी माइनस टू होती है। त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की विमाएं भी समान होती हैं और जितने भी तरह के प्रत्यास्था गुणांक हैं उनकी विमाएं भी समान होती हैं। ये भी तथ्य आपको अन्य जगहों पे काम देता है। ये आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो का अन्य हिस्सा हम किसी दूसरे पार्ट में आपके सामने फिर लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को हमेशा की तरह अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे और मेरे छात्रों को प्रेरणा सबको मिलती रहे और आप लोगों को नए वीडियो मिलते रहे। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।